सामने देखे कैमरे में प्रोटेस्ट के पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े हैं उसके विरुद्ध है और नॉनसेंस क्लब शुरू से महंगाई करप्शन चीज़ों से जुड़ा रहा है। आपको याद होगा पिछले सालों में जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो जसपाल जी घोड़े पे दफ्तर गए थे, फिर एक बारी हमने जो तंदूर बाई सेक्टर में बैठ के तंदूर पे रोटियां बनाई थी कि अब गैस हमारी पहुँच से बाहर है। और आज हमारी कोशिश है कि हम जो जसपाल जी का दिखाया हुआ रास्ता है उनके नक्शे कदम पे चलें। और हमने एक इसको मजाकिया तरीके में कि आगे अब शादियां होंगी तो उसमें शायद ये दिन भी आएगा कि पेट्रोल की मिलनी हो जाएगी कि आप कंबल या लोई की जगह आप पेट्रोल के कैंस एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होंगे। और हमने आज यहाँ पे जो लड़के के मदर और बुआ हैं उनको जो मोबिल ऑयल के पाउचेस हैं उनका हार पहनाया है और हमें लगता है कि ये कहीं सोने और हीरे जवाहरात से ज़्यादा महंगा हार उनको पहनाया है। और जो लड़के के फादर हैं उनके अंकल हैं उनको सोने की अंगूठी की बजाय हमने उनको गैस का एक एक सिलेंडर दिया है। तो हमारी ये कोशिश है कि एक बहुत महंगी शादी हम यहाँ ऑर्गेनाइज करें और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है कि जो एक शो ऑफ में बिलीव करते हैं कि हम इसे और महंगी कैसे कर सकते हैं, तो ये शादी शायद उन लोगों के लिए है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई लड़की वाले नहीं है क्योंकि लड़की वाले बेचारे इतने पाउचेस और कैंस दे गए वो अब घोड़ी अरेंज करने गए हैं टांगा की, अब घर वापस कैसे जाएँ क्योंकि कार में अब टैंक में पेट्रोल भराने के उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये एक हमारी एक कोशिश है चाहे मजाकिया ही तरीके में कि सरकार का ध्यान हम दें कि अब बातें हमारी पहुंच से बाहर जा रही हैं क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, ट्रकर्स जो जो सामान लाएंगे वो बढ़ेगा। आप कोरोना के बाद पहले ही हम लोग बहुत कोरोना ग्रस्त हुए हुए हैं, किसी की इनकम नहीं है, कुछ कम हो गई है, उसके बाद इतनी महंगाई, तो ये एक हमारा नॉनसेंस क्लब का उल्टा पुल्टा तरीका था इस बात पे थोड़ी रोशनी डालने।